नमस्कार दोस्तों, मैं सनी प्रकाश हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करते हैं सकारात्मक माहौल की, जो आपको आगे बढ़ाता है। उसमें सबसे पहले मैंने दो वीडियो पहले बताया था कि आपके अगल बगल जो हो वो नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और पॉजिटिविटी वैसी होनी चाहिए कि पॉजिटिव लोग ही आपके पास होने चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, और इस उदाहरण के लिए मुझे चलना पड़ेगा द्वापर युग में, जब कृष्ण सारथी थे और पांडव और कौरव का युद्ध हो रहा था। 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें से 11 अक्षौणी सेना कौरव की ओर थी और 7 पांडव की ओर थी। लेकिन पांडव के पास क्या था? पांडव के पास सत्य था और धर्म था, नहीं तो वो कभी भी टिक नहीं पाते उन लोगों के साथ जिन्होंने उनको ही धनु विद्या सिखाई। उस साइड कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे जैसे महारथी थे। इधर कृष्ण थे, वो भी बिना हथियार उठाए, उन्होंने शपथ ले रखा था कि हम हथियार नहीं उठाएंगे और सिर्फ साथी, मतलब सिर्फ उनके साथ रहेंगे। लेकिन सकारात्मक माहौल, सकारात्मक चीजें वैसी थी कि वो उस माहौल को बनाया गया और उनकी जीत। एक छोटी सी स्टोरी है, कहानी है उसी महाभारत युद्ध के अंदर की, जिसके उदाहरण से आप माहौल को समझ सकते हैं कि आखिर माहौल कैसे बनाया जाता है। कहीं पर भी कोई भी बड़ी कंपनियां, कोई भी बड़ा उनका प्रेजेंटेशन होता है तो उसको पूरे तरीके से उसका विज्ञापन, उसका प्रचार, उसको पूरा माहौल क्रिएट करके तब उस चीज को किया जाता। तो वैसे ही एक दिन था जब चक्रव्यूह की रचना की जा रही थी। तो भाई सबको पता था कि अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ने में माहिर है, अर्जुन रहेंगे तो चक्रव्यूह का ये युद्ध जो है वो कर नहीं पाएंगे, वो मनोकामना उनकी पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो ये सब प्लान किया गया कि अर्जुन को दूर लेके जाया जाएगा और इधर चक्रव्यूह की रचना कर दी जाएगी। चक्रव्यूह की रचना की गई, कहानी बड़ी है, पूरा वृत्तांत सुनाना संभव नहीं है। तो उसमें अभिमन्यु, जिसने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने को सीख लिया था, वो जाते हैं चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। और चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाते हैं तो उनको ये पता था कि चक्रव्यूह तोड़ा कैसे जाता है, लेकिन उसमें से वापस कैसे आया जाता है ये अभिमन्यु को ज्ञान नहीं था। लोगों के कहने पे, भीम के कहने पे कि भाई जब तुम जाओगे तो बाकी चीजें मैं पीछे से संभाल लूंगा, तो भीम को भी उन्होंने चक्रव्यूह का एक वैसा अंश बनाया कि भीम को भी उलझा दिया गया। और अभिमन्यु का वध बहुत अधर्म से, बहुत गलत तरीके से किया गया। कैयन महारथी मिलकर एक बच्चे की का वध करते हैं, हत्या करते हैं। तो अभिमन्यु वध की ये कहानी, सब कोई अभिमन्यु को मिलकर मारा, लेकिन उसी में से एक जयद्रथ था जिसने अभिमन्यु के मृतक शरीर को लातों से मारा। बड़ा अपमान, वीर का अपमान। शाम को जब ये बात पता चली, अर्जुन सब आए, सारा माहौल पता चला कि अभिमन्यु का वध हो चुका है, तो अपने बेटे के शव को देख के अर्जुन ने शपथ ले लिया कि कल या तो सूर्य अस्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो खुद को अग्नि में दहन कर लूंगा, अपने आप को आत्मदाह कर लूंगा। कृष्ण भगवान ने बोले, अरे ये क्या कह दिया, इसलिए जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने निर्णय ले लिया, और अभी उस निर्णय से इधर शोक की लहर पांडव के ग्रुप में दौड़ गई और कौरव के यहाँ खुशियां दौड़ गई कि भाई अब एक ही दिन की तो बात है, एक दिन जयद्रथ को बताना है, अर्जुन खत्म, युद्ध खत्म। और इधर इन लोगों ने, पांडव लोगों ने सोचा अर्जुन गया हमारी ओर से, एक बड़ा स्तंभ खत्म हो गया, युद्ध ऐसे भी खत्म हो जाना है। लेकिन वहां पे कृष्ण थे, सच्चाई था, धर्म था। अगले दिन जब युद्ध आरंभ हुआ तो उन्होंने जयद्रथ को छिपा दिया। पूरे दिन का संग्राम होने पर जयद्रथ नहीं मिलता है और लास्ट में सूर्य, कृष्ण भगवान अपनी माया रचते हैं, अपना माहौल बनाते हैं, अपना माहौल क्रिएट करते हैं और सूर्य को आदेश देते हैं, सूर्य अस्त हो जाता है। सारे लोग खुश कि खेल खत्म हो गया, महाभारत आज के दिन समाप्त।
जैसे ही सूर्य अस्त होता है जयद्रथ हंसते हुए सामने आ जाता है। बताओ, चाहते तो थोड़ी देर और रुकवा सकते थे, लेकिन जयद्रथ तुरंत सामने आ जाता है और बोलता है, भाई आत्मदाह की तैयारी करो। अर्जुन का वो धनुष छूट जाता है हाथों से, अर्जुन हार मान लेते हैं। वैसे ही जो मायापति कृष्ण हैं, वो सूर्य को आदेश देते हैं, अब मुस्कुराते हैं और सूर्य की ओर देखते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो बताते हैं माहौल बना रहे हो। और सूर्य उदय हो जाते हैं और सामने वो कहते हैं कि ये धनुष उठाओ और सामने ये जयद्रथ, और जयद्रथ का वध होता है। तो माहौल बनाना बहुत जरूरी है आपके सफलता के लिए, आपका माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो सकारात्मक लोगों के साथ जुड़े, सकारात्मक माहौल बनाए, सकारात्मक सोच रखे और सफलता को उस माफिक माने। एक छोटी सी कहानी और है, महात्मा सुकरात का एक शिष्य था, वो उन्होंने उनसे पूछा कि सफलता के लिए क्या करना चाहिए, सफलता कैसे होनी चाहिए, सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। उन्होंने बोला, अभी मैं बताऊंगा जैसे मैं बताता रहता हूं आप लोगों को, तो अभी आप समझ नहीं पाओगे, उसका उपयुक्त समय देके मैं सफलता के लिए आपको उदाहरण दूंगा। एक दिन वैसा था कि एक नदी में सुकरात स्नान करने जा रहे थे, पानी काफी गहरा था, साथ साथ में उनका शिष्य भी था। धीरे 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 पानी और गहरा होता गया, जब गहरा हुआ तो उन्होंने शिष्य को अपने हाथ से पकड़ा और उसको पानी के अंदर डुबकी लगाई और दो मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, जो भी उसका बर्दाश्त करने की क्षमता हो वैसा रखा। उस समय वो शिष्य जो है पानी में अपने आप को पाकर वो सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए उसकी तड़प सुकरात ने देखी। और जैसे ही वो ऊपर आया, उन्होंने बोला कि महात्मा ने ये क्या कर रहे थे। बोले, मैं वही उदाहरण दे रहा था कि सफलता को जिस दिन इसी श्वास के माफिक तुम समझने लगोगे, इस सांस के माफिक समझने लगोगे, जैसे तुम इस पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की। बोले, श्वास की। बोले, जिस दिन इसी श्वास के माफिक अपनी सफलता को समझने लगोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो माहौल क्रिएट करें, माहौल का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। नेगेटिव लोगों से दूर रहें और सकारात्मक सोच लेके अपना कदम बढ़ाएं, प्रकृति सहायता करेगी और आपको आपका मंजिल जरूर मिलेगा। नमस्कार।